अस्सलाम वालेकुम ख्वातिनो हज़रात। कपड़ा मार्केट में नया कारोबार करने वाले अहबाब ये गलतियां हरगिज ना करें। फिर ना कहना आपका पैसा डूब गया, आपके साथ किसी ने हाथ कर लिया, आपके साथ फ्रॉड हो गया। फिर किसी को ना कहना, क्योंकि उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपकी गलतियों की वजह से ये सारा कुछ आपके साथ होगा। आज की वीडियो में निशानदेही करने जा रहा हूँ उन गलतियों की जो बहुत सारे लोग करते हैं और फिर बाद में सारी जिंदगी कारोबार करना तो दूर की बात, नाम लेना तक पसंद नहीं करते और अपनी आने वाली नस्लों को भी कहते हैं कि भाई खुदा का वास्ता अपना कारोबार ना करना, किसी की गुलामी कर लो, किसी की नौकरी कर लो, लेकिन अपना कारोबार ना करना। वो कौन सी गलतियां हैं? कपड़ा मार्केट में रहते हुए वो गलतियां मैं आपको निशानदेही करवा देता हूं, क्योंकि हमारा टॉपिक कपड़ा मार्केट के रिलेटेड है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे अहबाब हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो भी ये वीडियो देख लें, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल कपड़ा मार्केट की देनी है और ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। वीडियो का आपने मुकम्मल देखना है ताकि ये वाली गलतियां कहीं आप ना कर बैठे, कहीं आपके साथ हाथ ना हो जाए, फिर बाद में आप देखें कि यार हमारा पैसा जाया हो गया। कपड़ा मार्केट में अक्सर हमारे बहन भाई नया कारोबार शुरू करते हैं, बड़ा चाह होता है उन्हें। पंजाबी कहते हैं ना, बड़ा चाह होता नवे काम का, कोई भी नवा काम हो ना तो बड़ा चाह होता है, बड़ा जुनून होता है कि यार मैं नया काम करने जा रहा हूँ, अल्लाह मुझे सुरखरू करे। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह सबको सुरखरू करे। लेकिन जो गलतियाँ हम खुद कर बैठते हैं, जिनका हमें नहीं पता होता, और फिर बाद में हम देखते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया। होता ये है कि जनाब हम मार्केट में जाते हैं, कपड़ा लेते हैं, ले लिया, एक अजम है हमारे अंदर कि हमने बिजनेस करना है, अपना काम करना है, ताकि इस महंगाई के दौर का मुकाबला किया जा सके। कपड़ा लेके हम घर आ जाते हैं, अब अगला स्टेप है उसे आगे सेल करना। अब हमने सेल करना है, लेकिन अक्सर हमारे बहन भाई क्या करते हैं, उनके जहन में ये आता है कि यार कपड़ा तो हम ले आए हैं, मेरा फलां दोस्त है, उसकी दुकान है कपड़े की, उसे जाके दिखाता हूँ। यार फलां मेरा कजन है, भाई है, अजीज है, उसे जाके दिखाता हूँ ये कपड़ा कैसा है, मैं सस्ता भी लेके आया हूँ कि नहीं, देखते हैं वो क्या कहेगा। वो बंदा ना उसके अंदर लड्डू फूटते हैं कि यार मैं जाके उसे बताऊंगा, वो बड़ा खुश होगा, शायद हो सकता है ये कपड़ा मुझे उससे भी सस्ता मिल गया हो, तो बड़ा उसे जनाब वो दिल में लड्डू फूटते हैं। उस बेचारे को ये नहीं पता कि ये जो काम वो करने जा रहा है वो कितना नुकसानदायक होगा उसके लिए। यकीन माने बड़े जुनून के साथ जाता है, बड़े शौक के साथ जाता है उसे बताने के लिए कि यार भाई कजन के देखो यार मैंने ये कपड़ा लिया है, मुझे बताओ, मुझे हाथ तो नहीं लग गया, मैंने ज्यादा पैसे तो नहीं भर लिए, ठीक लिया है ना। आगे से अब क्या होता है, ये एक बंदे के साथ केस नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, और चंद दिन पहले एक सिंध का बंदा है उसके साथ ये हाथ होने लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई उस केस में एंटर हुआ और बड़ी मुश्किल से मैंने उस बंदे को रिकवर किया और बचा लिया, और वो बंदा बाद में इस बात पे अग्री हुआ कि भैया आपने मुझे बचा लिया है, वाकई ही वो बंदा मुझे गलत गाइड कर रहा था और मुझे मेरा माइंड ही उसने खराब कर दिया था। अच्छा अब होता ये कि जनाब वो बंदा देखता है कपड़ा, जाहिर बात है जब दूसरे दुकानदार ने कपड़ा देखना उसने ये तो नहीं कहना भाई तू तो बहुत चंगा ले आया, तू तो मैं तो भी सस्ता ले आंदा, कितों ले आंदा, उसने कहना यार ये तो हमारी सेल होने वाली वैरायटी नहीं है, ये तो कहां से उठा लाया, ये तो गंद है, कचरा है, तूने कहां से ले लिया है, किस रेट में लिया है, दिखा जरा। ओ हो, इतना महंगा ले लिया यार तूने, ओ भाई ये तो नहीं सेल होगा, ये तू क्या कर बैठा। एक और सीन होता है कि हमारे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यार मैं होलसेल की मार्केट से लेके आया हूँ, आगे मार्केट में कोशिश करता हूँ, हो सकता है ये होलसेल में ही आगे सेल हो जाए, थोड़ी बचत रख लेता हूँ और मैं इसी तरह काम कर लूंगा, मार्केट से लेके यहाँ पर सप्लाई देना शुरू कर दूंगा। इस जुनून में वो जाते हैं मार्केट में, उनके जो करीबी कोई भी मार्केट होती है कपड़े की, रिटेल की मार्केट, वहां पर जब जाते हैं और दुकानदारों को दिखाते हैं कि भाई ये कपड़ा हमने सेल करना है, दुकानदार फिर आगे पता क्या कहते हैं, भाई ये तो यहाँ की वैरायटी नहीं है, ये तो बड़ा हल्का कपड़ा है, कितने का भाई, कितने का, ओए होए होए, ओ भाई जान नहीं नहीं लाइयो इनू, इतना कितने बिकना, हाँ ये है कि आप यहाँ पे रख दें, जब सेल होगा आपको पैसे दे देंगे। वो तो यकीन माने कि मैं अब क्या कहूँ यार, ना वो सेल हो ना आपको पैसे मिले, वो तो समझ ले कि अपने पैसे अपने अपने हाथों से जाया करने हैं इन गलतियों की वजह से, ये जो गलतियां आप लोग करते हैं। अच्छा आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, किसी अजीज के पास जाते हैं इस अजम के साथ, यार वो मुझे कहेगा मैंने बड़ा अच्छा कपड़ा ले लिया है। अब वो जब आगे से आपको कहता है कि यार आप तो लुट गए हो, ये तो बड़ा महंगा मिल गया आपको, ये तो वैरायटी यहाँ पे सेल नहीं होगी, ये तो हल्की वैरायटी है, हमारे एरिया की ये वैरायटी नहीं है, तो आगे आप पता क्या कहोगे, मायूस हो जाओगे, आपका वो जो अजम है ना बिजनेस का कि मैंने बिजनेस करना है वो टूट गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, वो जो आपका एक था ना कि मैंने करना है वो अब नहीं होगा, क्योंकि वो तोड़ दिया उसने, लेकिन उसने नाजायज किया आपके साथ, उसने गलत किया। यहाँ पर अगर कोई मुझसे पूछे कि आप क्या कहेंगे, मैं उस बंदे को कहूँगा कि यार तूने इसका माशी कत्ल किया है। एक होता है ना किसी का कत्ल कर देना, एक माशी कत्ल करना,
कि तूने इसका माशी कत्ल किया है, यार तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई, तो उसका अजम तो देख, उसका हौसला देख, उसे और बुलंद करके हाँ यार बिस्मिल्ला पढ़, ये तेरा सेल होगा और अच्छा काम किया है तूने, कर, लेकिन आइंदा से अगर तूने कपड़ा लेना हो तो मुझे बता दे, इससे सस्ता मैं तुम्हें ले दूंगा। अगर उसे लगे कि यार ये महंगा लेके आया है, ये होती है हमदर्दी। ये हमदर्दी नहीं होती ओए होए 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 ये तो सेल ही नहीं होगा, ये तूने क्या कर दिया। ये गलतियां हमारे नए बहन भाई करते हैं क्योंकि वो बिजनेस की दुनिया में बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता इस बिजनेस की दुनिया का कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केटिंग के क्या कवानीन हैं, मार्केटिंग के लिए लोग क्या कुछ करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। खासकर उनको तो अंदाज़ा ही नहीं होता जो जॉबलेस बंदे होते हैं, किसी की नौकरी करते हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं होता कारोबार का, बिजनेस का, मार्केटिंग का। मार्केटिंग को सीखना भी आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है। और इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला ये जो निशानदेही करवा रहा हूँ ना, इसके बाद बहुत सारे बहन भाई कमेंट्स में कहेंगे हाँ जी हमारे साथ ऐसा हुआ है, देख लीजिएगा, कहेंगे हमारे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा फिर पता मेन मकसद जो होता है उन लोगों का ये होता है कि यार अब इसका अज़्म टूट गया है, अब ये सेल करेगा कपड़े, जाहिर बात है उसका भी यही जहन होता है कि जनाब कपड़े सेल कर दे, क्योंकि जब ये आगे सेल ही नहीं होना है, हमारी वैरायटी नहीं है तो ये सेल हो जाए अच्छी बात है। अब वो दुकानदार को दोस्त है कज़न है जो भी है उसे कहेगा यार अच्छा फिर इस तरह करके इसे सेल करवा दे, अब वो कहेगा कि यार मार्केट में तो ये कपड़ा किसी ने लेना नहीं है इतना महंगा, ये तो मैं लेके आऊं तो इतने का मिलेगा और तुम इतना महंगा लेके आ गए हो, तो ये आगे किस तरह सेल होगा। हो सकता है वो आपको जलील भी करवाए मार्केट घुमा के। और स्टाइल पता क्या होता है अगली दुकान पे जाने का, पिछले दिनों जो केस आया ना मेरे पास सिंध के नौजवान का, उसने मुझे बताया कि भैया जब वो दुकानदार मुझे मार्केट में लेके जा रहा था ना, पहले तो मैंने समझा मेरा बड़ा हमदर्द है यार, इसने बड़ा एहसास किया है मेरा। वो पता लोगों को क्या कह रहा था कि भाई ये वाली जो वैरायटी है ये आप रख लोगे, ये बंदे ने सेल करनी है भाई ने, लेकिन आपको पता है ना ये हल्की वैरायटी है, हमारे यहाँ पे तो ये सेल ही नहीं होती, कोई मुंह ही नहीं लगाता। ये भी साथ में बोल रहा था, कहता तीन से चार दुकानों पे जब गए हैं ना मुझे शर्मिंदगी हुई है। मैंने उसे बोला कि भाई कम से कम आप ये तो ना बोलो, आप ये उन्हें कह दो कि यार ये वैरायटी से कपड़ा सेल करना है भाई ने, लेना है तो देख ले। वो कौन सा पागल है, वो दुकानदार है, वो भी काम कर रहा है, उसे भी कपड़े का पता है, वो खुद ही देख लेगा वैरायटी अच्छी है या नहीं। कम से कम यार आप इस तरह तो ना कहें। अब मैं यहाँ पर उस बंदे का बताता हूँ आपको, उसे मैंने किस तरह रिकवर किया। वो बंदा जनाबे वाला इतना उसे यानी कि इतना उसका माइंड ख़राब कर दिया उस दुकानदार ने कि वो बंदा यहाँ तक था कि यार भाई आप इस तरह करें कि जिस दुकान से मैंने कपड़ा लिया ना उनसे रिक्वेस्ट करें मैं उन्हें कपड़ा वापस कर दूँ और वो मुझे पैसे भेज दें। दुकानदार बार बार यही कह रहा था कि भाई चेंज हो जाएगा, जो भी आपकी वैरायटी सेल नहीं होती चेंज हो जाएगी। अब जिस दुकानदार की वो आगे से बात करवा रहा था ना दूसरे दुकानदार से होलसेलर से, वो दुकानदार कहता था कि भाई ये वैरायटी यहाँ पे सेल नहीं होनी चेंज कर दें। होलसेलर कहता था कौन सी वैरायटी चेंज कर दें, फलां चाहिए, होलसेलर दिखा देता था। यानी कि होलसेलर ने अपना पूरा जोर लगाया उस बंदे को, उसे भी सलाम है क्योंकि वो समझ गया था इस केस को। और जब मैं समझाऊँ मैंने उसके साथ डिस्कस किया कि यार मैं इस केस को समझ गया हूँ, उसने कहा भाई आप समझ गए हैं, आपसे पहले मैं समझ गया हूँ, ये केस सारा इस तरह है। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल ये केस इस तरह है और वो बंदा इसे ख़राब कर रहा है, इसके पैसे ज़ाया हो जाने इस बंदे के, इसने इसे रिकवर करना है। हत्ता कि मुझे होल सेलर ने कहा कि भाई आप इनसे रब्ता ना करें, हम खुद डील कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, वो नया बंदा है वो फंस जाएगा, उसने उसी मार्केट में सस्ते दामों कपड़ा सेल कर देना है, उन लोगों ने इतना उसे मजबूर कर दिया है। फिर फाइनली उस बंदे को मैंने ये बोला कि यार आप घर जाओ, जाके मुझे कॉल कर लेना, मैं आपसे बात करूंगा। यकीन माने उस बंदे का मैंने 2-3 घंटे वेट किया, उसकी कॉल नहीं आई। अगले दिन उस बंदे को मैंने खुद कॉल की, भाई आपने कॉल नहीं की, कहता मैंने समझा शायद आप सो गए होंगे। फिर मैंने सारा सीन कहानी उसे सुनी, उसने कहा भाई आपने मुझे बचा लिया है, हकीकत में वो बंदा मुझे जलील कर रहा था, आपने मुझे बचा लिया है, आइंदा मैं इस तरह की गलती नहीं करूंगा। फिर मैंने उसे कहा कि तेरी स्टोरी मैं अपने व्लॉग में शेयर करूंगा लोगों के साथ, ताकि जो गलती तूने की है हमारे दूसरे बहन भाई ना करें। तुझे तो मैंने बचा ली है, लेकिन हर एक को हम नहीं बचा सकते भाई, ना इतना टाइम होता है कि हर एक बंदे की कॉल सुने। बस उसकी एक किस्मत सीधी थी बेचारे की, कि बस कहते हैं ना कि हलाल का पैसा कभी जाया नहीं जाता। तो काइंडली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अपील है कि यार इस तरह की गलती ना किया करें। इस गलती से देखें उस बंदे का कितना बड़ा लॉस होने जा रहा था, वो बिजनेस से दूर होने जा रहा था। कह रहा था कि यार मैंने नौकरी करनी है, मैंने कारोबार नहीं करना, मैंने ये कपड़ा सेल कर देना है, बेशक घाटे में सेल करूं, मैंने नहीं करना ये काम। लेकिन जब उसे रिकवर किया वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा यार मेरे माइंड के साथ खेला जा रहा था, उसने कहा मेरे माइंड के साथ उन्होंने इस तरह किया कि मुझे समझ ही नहीं थी आ रही मैं क्या करूं, कि एकदम से कह देना कि भाई ये तो सेल ही नहीं होगा, ये हमारी वैरायटी नहीं है। लिहाजा इन बातों का ख्याल रखें, जब आपने काम करना है तो अपने दम पर करें, किसी के पास फिर वो चीज़ अपनी चीज़ लेके ना जाएं
कि भाई देखो कैसी है, भाई देखो कैसी, क्या मसला तुझे दिखाने का भाई, तो अपने घर में रख। लोग तेरे पास आए, लोग तेरी दुकान पे आए, लोग तेरे अड्डे पे आए, लोग तेरे पास चल के आए, तू लोगों के पास ना जा। वो काम करो अगला आपके पास आए, आप किसी के पास ना जाएं। जब आप किसी के दर पे जाएंगे ना, जलील हो जाएंगे। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट है कि ये बिजनेस की दुनिया है, मार्केटिंग को सीखें, जितना हो सकता है सीखें, ताकि आपको पता चले कि यार मार्केटिंग किस तरह करनी है, मार्केटिंग में होता क्या क्या है। लेकिन यहाँ पर मैं अपील करूंगा उन लोगों से, यार इस तरह किसी का आजम ना तोड़ा करें, बल्कि जितने भी हमारे बिजनेसमैन लोग हैं, कारोबार कर रहे हैं छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, सभी मैं बराबर समझता हूँ सभी को, यार किसी का हौसला ना तोड़ा करें, कोशिश करें किसी का हौसला ना टूटे। कितना बड़ा दिल करके लोग ये स्टेप उठाते हैं कि हम अपना कारोबार करें, और फिर बाद में उनका इस तरह हौसला टूट जाए ना, वो उनका माशी कत्ल होता है। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने लाइक करना है, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देनी है। इसी के साथ बंदाना चीज़ को दें इजाज़त अल्लाह ने के बान।